सो गाइस, बाइक का नाम है R15M, यमहा ब्रांड की गाड़ी है, मोटो एडिशन। इसकी की कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है, प्यारी सी की हार्ट की आपको फील आएगी। बाकी गाड़ी जो प्रेजेंट है बंसवा मोटर्स में लखीमपुर खीरी में, इसका डिटेल शोरूम का जो डिटेल है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाड़ी पे आते हैं, गाड़ी में जो अपडेटेड है क्या नया है, बाकी यही मेरा मेन मोटो है, इस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ कि गाड़ी में ओवरऑल चेंजेस जो है डिज़ाइनिंग में कुछ नया नहीं है। जो चेंजेस है वो चार पांच चीज़ें चेंजेस हुई वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे, जो कि आपको TFT डिस्प्ले में देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से वेलकम वे में, ठीक है। ये आपको फुली कलरफुल में इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, ये तो एक सबसे पहला ये चेंजेस। दूसरा, इधर जो की सेक्शन में है आप देख पा रहे होंगे पुरानी गाड़ी से और नई गाड़ी में क्या चेंजेस है। पुरानी गाड़ी में एक यहाँ पे पासिंग लाइट की स्विच, दूसरी हजार लाइट की, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्विचेस लेफ्ट साइड हो गई हैं और राइट साइड में 1-2 स्विचेस हो गई हैं। अब यहाँ पे दूसरा यही है कि यहाँ पे आपके स्विचेस बढ़ाई गई, तो जाहिर बात है कि इसमें कुछ ना कुछ अपडेट होगा। तो ये हमने इसको लॉन्ग प्रेस किया, ठीक है, ये हमारा एक बार फिर से दिखा देता हूँ। मैंने फिर से लॉन्ग प्रेस किया और ये देखिए TFT डिस्प्ले कुछ चेंज हुआ। इसको एक बार टर्न ऑन करेंगे, अब यहाँ पे आप ब्लू, जब सबसे पहले अपने आप म्यूज़िक का अपने आप आ गया, तो यहाँ पे एक अपडेट म्यूज़िक का बन चुका है। यानी कि अगर आप गाड़ी बाइक चला रहे हो और आप ईयरबड्स लगाए हो तो आप म्यूज़िक कंट्रोलिंग यहीं से कर सकते हो, इन स्विचेस से अप डाउन जो भी आपको म्यूज़िक चलाना है यहाँ पे आपको मेंशन भी होगा। इस तरीके से आप म्यूज़िक भी जा सकते हो ईयरबड से। हेलमेट यूज़ करें, सबसे अच्छी बात यह है कि आप हेलमेट निकालना नहीं पड़ेगा, आप अपना चलते रहिए और म्यूज़िक सुनते रहिए, पर स्लो वैल्यू में, ज़्यादा आगे पीछे ध्यान रखें, मिरर का जरूर यूज़ करना भाई म्यूज़िक सुनते टाइम और आराम से चलाना। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि आपको नेविगेशन का यहाँ पे एक अपडेट मिल जाएगा। नेविगेशन में ये है कि आप कोई भी कहीं भी जा रहे हो और यहाँ पे आप, पहले हम लोग एक फोल्डर लगाते थे उसमें हम लोग नेविगेशन सेट करते थे कहीं भी डायरेक्शन देखने के लिए, बट उसमें आपको लगाने जरूरी नहीं। अगर आपको किसी भी कहीं डिस्टेंस पे जाना है आप अपने फ़ोन में सेलेक्ट कीजिए यहाँ, और यहाँ से आपको नेविगेशन लेफ्ट राइट टर्न का नेविगेशन देखने को मिल जाएगा। ये बहुत एक अच्छी अपडेट है इस गाड़ी में, आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। थर्ड, एक यहाँ पे नोटिफिकेशंस भी देखने को मिल जाएंगे, वो तो पहले भी चल रहा था। बाकी एक वेदर, आप कोई भी किसी अदर डिस्टेंस पे जा रहे हो, आपको यहाँ पे जैसे आपने यहाँ से दूसरी जगह डाला तो दूसरी जगह का आपको वेदर का यहाँ पे अप टू डेट आपको कंडीशन बताता रहेगा कि वहाँ का कंडीशन कैसा है, रेनिंग है कि कोल्ड है। इस तरीके से आपको यहाँ पे वेदर कंडीशन भी देखने को मिलता रहेगा, इसके अकॉर्डिंग आप चल पाएंगे। बाकी RPM वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, स्पीडोमीटर देखने को मिल जाएगा, फ्यूल इंडिकेशन देखने को मिलेगा, ट्रिप वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। मेनू में ये सब पुराना ही है, मेनू में आप ब्राइटनेस लो हाई कर सकते हो, और ये हमने फिर से एक बार फिर से देखे, आप ट्रिप वगैरह जो है यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, यही सब सिस्टम है। आगे अगर हम लोग बात कर लें पीछे, नेक्स्ट एक अपडेट ये है कि इसमें आपको यहाँ पे नंबर प्लेट में यहाँ पे जो लाइट देखने को मिलती थी वो हैलोजन में देखने को मिलती थी, बट आप अब यहाँ पे LED में देखने को मिलेगी, यहाँ पे नंबर प्लेट पे जो लाइट फॉल होगी। आगे अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे, वो जो चीज़ मैंने बताई थी म्यूज़िक सिस्टम कैसे वो कनेक्ट होगा, आप जिसकी जो भी बंदा बाइक परचेस करेगा, ये गाड़ी यमहा मतलब कि मोटरसाइकिल कनेक्टिविटी के साथ है, यानी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, आप ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी कर लेंगे, अपने ऐप डाउनलोड कर लेंगे यमहा का एक ऐप आता है उसके अकॉर्डिंग ही ये वर्क वो होगा। इसीलिए जो परचेस करेगा उसके अकॉर्डिंग के हिसाब से वो वर्क करता है। आखिर अगर हम लोग बात कर लें इस गाड़ी में, तो स्टिकर की बात कर लें कि कितने कहाँ पे क्या क्या स्टिकर्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले फ्रंट व्यू में आ जाते हैं, फ्रंट व्यू में आने से पहले एक इधर आपको स्टिकर, एक यहाँ पे थोड़ी सी एक डिज़ाइनिंग ये चेंज हो गई है, जो स्टिकर मैंने बताया था वो ये यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन की गई है। बाकी R15 यहाँ पे मॉन्स्टर एनर्जी का, VVA वेरिएबल बल्ब एक्चुएशन का, यमहा का लोगो आपको गोल्डन में देखने को मिल जाएगा, एक यहाँ पे यमहा की बैचिंग, यहाँ पे E20 की बैचिंग, पोर्शन साथ ब्लूटूथ का स्टिकर, इस तरीके से रेयर में आएंगे मॉन्स्टर एनर्जी का स्टिकर यहाँ पर जाएगा, और लाइटिंग आप देख ही रहे हो टेल लाइट को इस तरीके पर लगेगा, इंडिकेटर हज़ार लाइट में अवेलेबल है जो कि LED बल्ब के साथ आएगी, बाकी रिफ्लेक्शन लाइट देखने को मिल जाता है। इधर आ जाते हैं क्विक एक्सप्रेस और मॉन्स्टर एनर्जी, यहाँ पे एक स्टिकर देखने को मिल जाएगा, एक यमहा ल्यूब इनोस के साथ बैचिंग देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे आप फ्रंट व्यू में देख सकते हो, यहाँ पे एक बार आपको एक यहाँ यमहा ल्यूब में देखने मिलेगा, एक इधर देखने मिलेगा। तो स्टिकर्स की ये सब बातें हो गई। गाड़ी जो हमें परफॉर्मेंस जो देती है, इसका जो इंजन है वो 155 cc का इंजन CDI इग्निशन के साथ है, BS6 Phase 2।
बाकी गाड़ी का जो पावर है वो 88.1 bhp का पावर देखने को मिल जाएगा, 14.2 nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है, माइलेज 51.1 किलोमीटर पर लीटर देखने को मिल जाता है, और ट्रांसमिशन गियर हमें 6 देखने को मिल जाते हैं जो कि 1 डाउन और 5 अप के साथ। रिवर्स जो इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 11 लीटर है, अगर आप फुल टैंक कराते हो तो 400 लीटर्स की राइडिंग हो जानी चाहिए, 400 किलोमीटर की राइडिंग। बाकी रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी हमें 1.76 लीटर देखने को मिल जाता है। गाड़ी के अगर डायमेंशन की बात करें तो 141 kg हमें इस गाड़ी का भार देखने को मिलेगा, ग्राउंड क्लीयरेंस हमें 170 mm देखने को मिल जाता है, सीट हाइट हमें 815 mm देखने को मिल जाएगा, और ओवरऑल गाड़ी की अगर बात कर लेते हैं तो 1990 mm देखने को मिल जाता है। सस्पेंशन की बात कर ले तो फ्रंट सस्पेंशन जो हमें अप साइड डाउन फ्रंट फॉक्स के साथ सस्पेंशन देखने को मिलेगा एक अच्छे कॉम्पिटिजन में, वही अगर रेयर की बात कर लें तो यहाँ पे आपको लिंक टाइप मोनोक्रॉस सस्पेंशन देखने को मिलेगा जो कि येलो कलर में बेल्ट है। टायर साइज की बात कर लें, रियर टायर 140 बाई के साथ 70 के साथ 70 इंच टायर अच्छे ग्रिप फॉर्मेट में जो कि ट्यूबलेस टायर बिल्ड है, और वही अगर हम रियर फ्रंट टायर की बात कर लें तो यहाँ पे आपको 100/80 के साथ 17 इंच का टायर और अच्छे ग्रिप फॉर्मेट देखने को मिल जाता है। ये हमें फ्रंट की जो लाइटें आप देख पा रहे हो, ये LED में आपको लाइटें देखने को मिल जा रही है, DRL लाइट, अभी प्रोजेक्टर लैंप भी देख लेंगे जब इग्निशन स्टार्ट करेंगे। बाकी अगर हम लोग बात कर लें ब्रेकिंग सिस्टम की तो आपको डिस्क जो है मिलेगा फ्रंट और रियर दोनों ही, ड्यूल चैनल ABS गाड़ी में प्रेजेंट है, रियर में आपको सिंगल पिस्टन कैलिपर सा डिस्क देखने को मिलेगा, और फ्रंट में आपको डबल पिस्टन कैलिपर सा डिस्क देखने को मिल जाता है। अब बारी है गाड़ी के इग्निशन स्टार्ट करने की, और देख लेते हैं कि कैसा क्या इसका एग्जॉस्ट साउंड है। विदाउट एक्सेलरेट हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, साइलेंटली भी हमें गाड़ी स्टार्ट हो गई, साइलेंसर सॉन्ग, अब आ रही है एग्जॉस्ट एक्सेलरेट लेने की, इसी साथ RPM टेस्ट करते हैं। अब देख लेते हैं फ्रंट की प्रोजेक्टर लैंप जो कि LED में बिल्ड है इस तरीके से। सो गाइस आई होप आपको एग्जॉस्ट साउंड अच्छा लगा होगा, हज़ार लाइटें वगैरह मतलब टेल लाइट हेडलाइट सबको अच्छा लगा होगा, मेन मोटो था इसकी अपडेटिंग, मैंने वो भी आपको बात की से बता दी, कोई क्वेरी रह जाती है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको मेरी मेहनत दिखी हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग प्रोमोटर टॉक, और इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।